हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो यार? यस, वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम बच्चे पार्टी, वेलकम निशा, वेलकम कैडमियम, वेलकम बलू, वेलकम नीलेश, वेलकम श्रेया, वेलकम दी सुप्रीम लीडर, वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। कैनिजारोज रिएक्शन, यस, आज ऑपरेशन नेम रिएक्शन का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग कैनिजारोज रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है? कैनिजारोज रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब कुछ हम लोग देखेंगे, राइट? पहले तो कैनिजारोज रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कौन इसमें रिएजेंट होता है, कैसे रिएक्ट होता है, उसके बाद क्रॉस कैनिजारोज क्या होता है ये देखेंगे, उसके बाद में उनका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद में हम लोग उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है? तो कंप्लीट पैकेज होगा कैनिजारोज रिएक्शन, इसके बाद में आपको कभी भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है? तो फिर स्टार्ट करें बच्चों। यस, एम आई ऑडिबल? सब कुछ क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हर बार मैं आप सभी को बताता हूं कि माय नेम इज युवराज सिंह एंड आई एम नॉट अ क्रिकेटर। आई हैव परस्यूड माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी। आई एम एन ओसीएसएस दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समर स्कूल प्रोग्राम पार्टिसिपेंट 2017 हेल्ड एट आईआईटी बॉम्बे। आई हैव टॉट मोर देन 3000 स्टूडेंट्स एंड आई हैव मोर देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टॉप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज आकाश इंस्टीट्यूट। आई एम एन एक्स आकाश फैकल्टी फ्रॉम डेली एंड पुणे, ठीक है? यस, ओके, साउंड्स ग्रेट, यस, इट साउंड्स ग्रेट, इट रिएक्ट्स ग्रेट एज वेल। कैनिजारोज रिएक्शन, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अचीवर्स प्लस बैच बच्चों स्टार्ट हो चुका है, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है और आप चाहते हो एनरोल करना तो जाकर कर सकते हो, ठीक है? यस, आगे बढ़ते हैं। अर्ली एंथुजियस बैच जो कि 2022 के लिए होगा, ये भी स्टार्ट हो गया है। 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक डेमो क्लास है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। अगर आपको कोड पूछता है तो युवराज 96 मेरा कोड डाल के आप एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़े, अब कॉम्बैट की बात करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर नीट यूजी है ना, कॉम्बैट सभी को पता है इस बारे में। मोर देन 3 करोड़ रुपीज का आप ले सकते हैं यहां से स्कॉलरशिप, ठीक है? राइट, अब अनअकैडमी का ये हर हफ्ते होता है बच्चे, हर हफ्ते होता है, बहुत बड़ा ये टेस्ट सीरीज है जिसमें कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, राइट? 7th of March यानी कि कल 11 बजे ये होने वाली है, ठीक है? अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, ये सभी बच्चों के लिए बच्चों फ्री है, किसी से भी यहाँ पे पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अगर आप बढ़िया से वो करते हैं तो आपको जरूर वहां पे स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है? तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड YUVRAJ96, दिस इज माई कोड, आप ये कोड यूज कर सकते हैं और आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। देखो यार, पैसे नहीं लग रहे यहाँ पे, तो बिल्कुल भी ऐसे मौके हमें हाथ से नहीं जाने देना है, अटेम्प्ट जरूर करना है सभी ने, ठीक है? यस यस, मीम 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 पर मराठी है, ग्रेट ह्यूमन। चलिए आगे बढ़े, तो सभी सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, 7 मार्च को 11 बजे 60 मिनट का टेस्ट होगा। और भी काफी कुछ है इसमें, देखो टॉप 3 जो विनर्स होंगे इन्हें 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है फ्री, ठीक है? 150 विनर्स विल बी गिवन एडिशनल डिस्काउंट, मतलब जो आपको 5-10% का डिस्काउंट मिलता है उससे ज्यादा 25-30-50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो बिल्कुल भी यार आलस नहीं करना है, कल 11 बजे इस टेस्ट को जरूर देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल एनरोल करना है, युवराज 96 का कोड लगा देना है, ठीक है? ओके चलिए, तो यहाँ पे 60 मिनट्स का होगा, 28 क्वेश्चंस होंगे, 11th 12th ड्रॉपर, सभी के बैचेस अलग होंगे, सभी का टेस्ट अलग होगा। सेक्शंस यहाँ पे बायोलॉजी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एज यूजुअल जैसा होता है वो होगा, और हर संडे ये होता, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, सभी ने करना है। हेलो क्यूट गर्ल, नाम क्यूट है भाई, वाह। चलिए आगे बढ़े, अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आप कैसे लेना है, सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं, अब आपको नीट यूजी सिलेक्ट करके प्लस पे जाना है, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाते हो, अब आपको यहाँ पर पैकेजेस दिखेंगे, एक आइकॉनिक का होगा, एक प्लस का होगा। आइकॉनिक इज रियली रियली अमेजिंग, ठीक है? थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बहुत अमेजिंग है। अगर वो नहीं आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लस तो बहुत सस्ता है, आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो, राइट? काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप मेरा कोड वहां पर लगा देते हैं। तो युवराज 96 इज माई कोड, इसे अगर आप लगाते हैं तो आपको स्टेट ऑफ 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सर आप सीकर से हो क्या? सीकर के पास ही में मेरा गांव है, वहां से हूं मैं, आई एम बेसिकली राजस्थान। सर आई एम न्यू, कैन आई अटेंड योर क्लास प्लीज? अरे क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत होगी आप लोग मेरा क्लास अटेंड करो ना करो। ओके चलिए,
तो सीपीवी क्या है? सीपीवी इज अ यूनिक फीचर दैट हेल्प्स टू स्टडी एंड स्कोर ए प्लस मार्क्स पोर्शन ऑफ एग्जाम इन एवरी लेक्चर. दैट मीन्स इफ अ स्टूडेंट इन्वेस्ट हिज और हर टाइम इन अ वीडियो, ही और शी विल अर्न एंड लर्न नॉलेज विच कैन स्कोर मिनिमम ऑफ 8 प्लस मार्क्स. मतलब क्या सर, आप हमसे पैसे लेने वाले हो क्या? नहीं, पैसे नहीं लेने वाले. तो क्या लेने वाले हो? जान लोगे क्या? नहीं भाई, जान तो बिल्कुल नहीं लेंगे. ठीक है, तो क्या लेने वाले? मैं आपसे आपका टाइम लेने वाला हूं और उस टाइम को मैं कन्वर्ट करके देने वाला हूं मार्क्स में. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यस, गुड आफ्टरनून सरोनी, हाउ आर यू? ऑल इज वेल. ठीक है, ओके बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं. यहां पर आ गया है ऑपरेशन मिशन सक्सेसफुल करने के लिए. यहां पर हमारे खिलाड़ी आ चुके हैं. ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. क्या पढ़ने वाले हम लोग, याद है सभी को? बोलो यार, ये सुनो, क्या पढ़ने वाले हैं? कैनिज़ारोज़ रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं बच्चों. ठीक है, कैनिज़ारोज़ रिएक्शन के पहले कल हमने अल्डोल कंडेंसेशन देखा था. आई होप सभी को समझ में आ गया है. ये सुनो, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो था ये, आई होप सभी को समझ में आ गया है. ये सुनो, ठीक है, तो अब कैनिज़ारोज़ रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं. टॉपिक लिख देता हूं सबसे पहले. ठीक है, कैनिज़ारोज़ रिएक्शन. ठीक है, ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें या कुछ कंसेप्ट की बात करें, तो एरोमेटिक हल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. ध्यान से सुनो, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, एंड विच ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कली अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. खुद का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिज़ारोज़ रिएक्शन. चलिए अभी थोड़ा सा इसे शब्दों में लिख लेता हूं, उसके बाद में बढ़िया से हम लोग रिएक्शन लिख के उसे एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले बात यहां पे एरोमेटिक अल्डिहाइड की हो रही है, एरोमेटिक और वो भी अल्डिहाइड की हो रही है. ठीक है, एरोमेटिक अल्डिहाइड विच डू नॉट, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कली अंडरगोज व्हाट, अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन. सेल्फ ऑक्सीडेशन यहां पे होता है, क्लियर है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी होता है. तो सर आप ये क्या कह रहे हो, थोड़ा हमको समझा के दो. ऐसे ही लिख दोगे थोड़ी ना समझेगा, तो ऐसे ही लिखने के लिए नहीं आया हूं मैं, समझाने के लिए आया हूं. देखो बच्चों, अब रिएक्शन यहां पे किस तरीके से होती है पहले मैं आपको बताता हूं. हमने क्या कहा, देखो वापस आ जाओ यहां पर, गौर से देखो, एरोमेटिक अल्डिहाइड होने चाहिए. कैसे अल्डिहाइड? विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, तो आइए देखिए मैं क्या बना रहा हूं. ठीक है, सी डबल वन ओ और यहां पे एच, क्लियर है, इस तरीके से, राइट. अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं है. अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन नहीं है. कहां है अल्फा कार्बन? ये रहा अल्फा कार्बन. ठीक है, क्या वहां पे हाइड्रोजन है? नहीं, कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी कर ली है, हाइड्रोजन वहां पर नहीं है. ठीक है, प्लस दूसरा एक और ले लेते हैं, सेम ही ले लेते हैं. ठीक है, जब दोनों के दोनों सेम है तो हम उसे कैनिज़ारोज़ रिएक्शन कह रहे हैं. आगे क्रॉस क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो ये दोनों मैंने एरोमेटिक अल्डिहाइड ले लिए. अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हमें कहा है कि ट्रीटमेंट विद अल्कली, अल्कली मतलब क्या, बेस, KOH के साथ रिएक्ट करके देखते हैं. KOH के साथ जब रिएक्शन हम लोग करते हैं तो होता क्या है, यहां पर एक किसी की एक, फॉर एग्जाम्पल ये वन है और ये टू है. ठीक है, दो अलग अलग है, राइट. किसी का एक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक का रिडक्शन. मुझे बताओ, अल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड, अल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल. ठीक है, तो एक का रिडक्शन करना है और एक का ऑक्सीडेशन. तो ठीक है, पहला प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, रिड्यूस प्रोडक्ट लिख लेते हैं. ठीक है, क्या आएगा, CH2OH आएगा. यस और नो, ये क्या है, दिस इज
रिडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्या आने वाला है यहां पे, अब ये निंजा के टकले के ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो निंजा ये खा जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर आएगा हमारा अपना, तुम्हारा अपना एसिड, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये देखो एक का हो गया रिडक्शन, तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिएक्शन को देखो, और मैं जो डेफिनेशन पढ़ रहा हूं उसे कनेक्ट करके देखो रिएक्शन को, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप सिर्फ रिएक्शन को देखो, डेफिनेशन को मत देखना, ठीक है। क्या क्या है रिएक्शन में, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है एरोमेटिक एल्डिहाइड है, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, क्या वहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कली, अल्कली है, यस KOH है, क्या होता है, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, एसिड है, बिल्कुल है, एंड रिडक्शन, रिड्यूस प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, अल्कोहल, यस हाँ है। तो एकदम यहाँ पे कैनिज़ारोज़ रिएक्शन क्लियर हो गई है। और यहाँ पे जो की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं वो है, एरोमेटिक अल्डिहाइड होना चाहिए, अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसके बाद में अल्कली के साथ में ट्रीटमेंट होने वाला है, और प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, एक ऑक्सीडाइज्ड और एक रिड्यूस्ड, क्लियर है, यस और नो। साहिल ड्रैग्स बॉक, ये कौन है, ड्रैग्स ब्रोक, हाय हेलो साहिल, को समझ में आ गया, कैडमियम को समझ में आ गया, बोलो यार फटाफट बताओ क्या आपको समझ में आया है, यस और नो, नहीं समझ में आया तो भी बोल सकते हो यार, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आया है तो बोल दो सर नहीं समझा, कोई बात नहीं वापस पढ़ाऊंगा मैं, यस क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है, ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। तो सभी को समझ में आ गया है, एक बार हमने क्या किया ऑक्सीडेशन, एक बार हमने क्या किया रिडक्शन किया, और इसी रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। बच्चों मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रही है, इज इट रीडेबल फॉर यू, आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं लिख रहा हूँ, ए आई ओ यू ए बी सी डी, रिपीट करूं, देखो कुछ नहीं है कैनिज़ारोज़ रिएक्शन में, कुछ नहीं होता कैनिज़ारोज़ रिएक्शन में, क्या होता है आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड लेना होता है, सबसे पहला आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड लेना, ले लिया मैंने एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये रहा, ठीक है ओके। और ये जो एरोमेटिक अल्डिहाइड मैंने लिया है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या, अल्फा कार्बन को जो लगा हुआ हाइड्रोजन होता है वो है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन क्या यहाँ पे है, हाँ फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट में देखो कौन सा कार्बन है, ये कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है। लेकिन क्या वहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, तो रिएक्शन की कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर हो गई है, एरोमेटिक अल्डिहाइड है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इन्हें आपको रिएक्ट करना है किसके साथ, अल्कली के साथ, अल्कली क्या है KOH, रिएक्ट किया, हाँ रिएक्ट करने के बाद आपको मिलने वाला एक ऑक्सीडाइज्ड और एक होगा रिड्यूस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रेड में जो मैंने लिखा हुआ है ये उसका रिड्यूस प्रोडक्ट है, और जो ब्लू में मैंने लिखा है वो उसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, दैट्स इट, इसके अलावा कैनिज़ारोज़ में और कुछ नहीं, ठीक है समझ गया, क्लियर है सब कुछ, बोलो यार आगे बढ़े। चलिए हेलो वैभव कैसे हो, ऑल इज वेल, ओम प्रकाश कुमार को समझ में आ गया है, सर पीडीएफ मिलेगी क्या, हाँ बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेट्स क्रैक नीट यूजी के टेलीग्राम के चैनल पर जरूर पीडीएफ भेज दूंगा, यहां से सीधा पीडीएफ वहां जाएगी, ठीक है ओके। चलिए अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि है, होती है मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन ऐसी ऐसी होती है, ठीक है, लेकिन होती कैसे है ये मैं अब आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए देखो अब नेक्स्ट ध्यान से देखना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अल्डिहाइड मैंने ले लिया है, ठीक है, कोई भी एक अल्डिहाइड लेना है, राइट। अब इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं किसके साथ, अल्कली के साथ, KOH, क्लियर है। ये R के जगह बस बेंजीन रिंग मैंने लिखी नहीं है क्योंकि ताकि हमें जगह कम ना पड़े, पूरा का पूरा एक पेज पे हम लोग कर ले, ठीक है ओके। अब ध्यान से देखो ये क्या है, बेस, क्या करता है बेस, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है कि क्या करता है, ये देखो अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं तो ये हो जाएगा के पॉजिटिव और OH माइनस, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, ये सुनो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, तो यहां पे क्या होता है,
यहां पर ये जो एच माइनस है ये तुरंत जाके यहां पर अटैक कर देता है, ठीक है, तुरंत जाके यहां पे अटैक कर देता है। और अब ये किस तरीके से दिखता है, देखो ये आर सी ओ, ठीक है, उसके बाद में यहां पे पहले वाला एच और अभी अभी रेड में जो ओ एच आया है वो यहां पर रहा, क्लियर है, और यहां पे ऊपर निगेटिव चार्ज। यहां तक समझ में आ गया सभी को, बोलो यार, यस सर ये सारे रिएक्शंस रटने पड़ेंगे क्या? नहीं मैं समझा रहा हूँ, रटो मत, इसीलिए तो समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं लेता ही नहीं था इसकी क्लास। मैं समझा रहा हूँ आपको, रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है, देखो राइट, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अंदर आता है, यस, और ये हाइड्रोजन को बाहर फेंक देता है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्या बन जाएगा, ये आर, ये सी, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया अब, और इधर ये हमारा रेड कलर वाला जो OH था वो, व्हाट इज दिस, फुमड़ी का पीस, नहीं ये है एसिड, ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लियर है, एकदम बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अब ध्यान से देखो, अब क्या होता है, ऐसे ही जो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके ऊपर और रिएक्शन होती है, किस तरीके से, देखो राइट, देखो ध्यान से देखना है। अब यहां पे एक H- बाहर आया, याद है आपको, याद है ना सभी को, H- बाहर आया था। अब हुआ क्या, ये जो H- था इसको बड़ा गुस्सा आया, तो ये कहता है कि भैया मैं तो अटैक करूंगा, मैं तो अपना बदला लूंगा, ठीक है, तो ये किसके ऊपर अटैक करता है, कहां अटैक करता है, क्या करता है, आपको पता है, बोलो यार, नहीं, ठीक है, तो देखो होता क्या है, यहां पर अल्कोहल नहीं, सॉरी यहां पर अल्डिहाइड होता है, एसिड नहीं, अल्डिहाइड होता है। तो अब होता क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तुरंत माइनस एच ये यहां जाके अटैक कर देता है। अब ये किस तरीके से बनेगा, ये आर, ये सी, ये बॉन्ड ओ नेगेटिव, क्योंकि अब ये बॉन्ड टूटकर अपने नेगेटिव चार्ज ऊपर चले गया है, और अब यहां पर आ गया है क्या, हाइड्रोजन, और ये अभी अभी नया नवेला हाइड्रोजन यहां पर इस तरीके से, क्लियर है, ओके। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज एक पास में प्रोटॉन जो होता है उसका प्रोटॉन ले लेता है, और ये किस तरीके से बन जाता है, अब ये आर सी ओ एच, यहां पे ये एच और यहां पे ये एच, क्या दिख रहा है ये, मैं महाराष्ट्र से हूं बच्चे, ये क्या है, एल्कोहल, क्या है, दारू है, तो आप देख सकते हो दिस इज दी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, है कि नहीं, बात क्लियर है, बोलो यार, सभी को समझ में आ गया है तो थम्स अप कर देना है, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई है, क्लियर है, ठीक है, यस। तो कैनिज़ारोस रिएक्शन हमने देख ली, अब हम लोग क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है, देखो बच्चे क्वेश्चन यहीं से मोस्टली पूछा गया है, क्रॉस कैनिज़ारोस से क्वेश्चन पूछा गया है, अरे वाह वेरी गुड, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र एज वेल, वेरी नाइस, अच्छा नीलेश भी महाराष्ट्र से है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सेम पिच, चिमटी तो मैं अभी आपकी ले नहीं सकता, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्रॉस कैनिज़ारोस क्या होता है, क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन क्या होता है, राइट। अब यहां पे क्या अलग फीचर है, देखो ध्यान से देखो, ये है क्या, अल्डिहाइड, क्लियर है, ओके। इसके साथ में यहां पे हम लोग एक फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है, इसका जब मैं NaOH के साथ रिएक्शन करता हूं, मतलब किसी अल्कली के साथ रिएक्शन करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है सिर्फ और सिर्फ क्या, बोलो, मुझे मिलता है बेंजाइल अल्कोहल, राइट, CH2 और यहां पे OH, कुछ इस तरीके से, राइट, और साथ ही में मुझे क्या मिलेगा, ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है,
तो मुझे बेंजाइल अल्कोहल मिला, राइट, बेंजाइल अल्कोहल मिला। अब मेन चीज यहां पे क्या है कि कैन क्रॉस कैनिजारोज में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है क्रॉस कैनिजारोज में? क्रॉस कैनिजारोज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। एनओएच यूज किया जाता है और फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक मार दिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है। अब कुछ बेसिक एप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कैनिजारोज बता दिया, क्रॉस कैनिजारोज क्या होता है बता दिया, अब एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में ये आ सकता है। बेसिकली डायरेक्टली आपको कैनिजारोज वो नहीं पूछेंगे, अगर आपको वो पूछेंगे तो मल्टीपल रिएक्शंस में आपको ये रिएजेंट दे देंगे, ठीक है, तो फिर आपको प्रोडक्ट बताना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन पहली रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, आपको ऐसा दिया रहेगा कुछ CHO ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे ट्वाइस, दो बार ऐसा ग्रुप है, ठीक है, और एरो पे दे देंगे NaOH, कोई भी अल्कली दे देंगे। तो आप क्या करोगे, हमें पता है कैनिजारोज रिएक्शन है, एक होगा, पहले देख लेना अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, वेरी गुड, अल्कली है, हाँ, कंफर्म कैनिजारोज रिएक्शन है। दो पॉइंट्स तो कंफर्म वहां पे कर ही लेना है, ठीक है, क्या कि अल्डिहाइड, तीन पॉइंट्स, अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और थर्ड पॉइंट अल्कली है, वेरी गुड। अगर ये तीनों पॉइंट्स पर टिक आ गया तो वो हो गया कैनिजारोज रिएक्शन। तो ठीक है, हमें कैनिजारोज रिएक्शन का क्या फंडा ये पता है, एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा, तो कर लेते हैं। देखो रेड वाला का हो गया रिडक्शन, क्या आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और ये जो ब्लू में मैं बना रहा हूं, ग्रीन में बना देते हैं, कलर रिपीट हो जाएगा, ठीक है, इसका हो गया क्या, बोलो, ऑक्सीडेशन, ये हो गया, एक एसिड मिल गया, राइट, और एक क्या मिल गया हमें, अल्कोहल, ये हुआ रिडक्शन, और ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्लियर है, क्या कह रहे हो, सुप्रीम लीडर प्रोटीन किधर से आया, प्रोटॉन, अच्छा प्रोटॉन किधर से आया, वो वाली रिएक्शन में देखो प्रोटॉन कहां से आया, तो आप ये कह रहे हो ये वाला प्रोटॉन, बच्चे देखो कई जितने भी रिएक्शन होती है वहां पे पानी तो होता ही है, पानी तो होता ही है, H2 होता है, वहां से हमें प्रोटॉन, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भैया ये प्रोटॉन कहां से आया, वो कहां से आया, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई कोई रिएक्शन में पानी तो होता ही है, वहां से प्रोटॉन आता है, लेकिन H नेगेटिव कहां से आया ये मैंने आपको बताया कि यहां से, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, अल्फा हाइड्रोजन किसे होगा, अल्फा हाइड्रोजन वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, पर वो देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बच्चे, देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ और OH, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, एसिड, अल्फा हाइड्रोजन मतलब इसके नेक्स्ट वाला, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये बीटा अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, अब अल्फा कार्बन को लगे हुए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर है, ओके क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, तो यहां पे समझ में आ गया, एक और एप्लीकेशन देखना है, चलिए आप खुद भी सॉल्व करके देखो, आप लोग भी सॉल्व करके देखिए, पेन पेंसिल उठाइए, अपना थोड़ा बुक उठाइए, देखो कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि भैया सर मार्क्स कैसे आएंगे, हमें मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कैसे आएगा, तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि भैया थोड़ा सा पेन पेपर लो, थोड़ा सॉल्व करके देखो तो ही आएगा, हवा में करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, हवा में करोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं होता, ऐसा हर एक सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूं, जितना लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसीलिए ऐसे बैठकर बस लेक्चर देख रहे हैं ऐसा मत करो, पेन पेपर लो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है, इधर उधर की फालतूगिरी करना बंद करो, और ज्यादा टाइम नहीं बचा, पढ़ाई करना यार स्टार्ट कर दो, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक, क्लियर है। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और यहां पे लगा दिया मैंने CO, राइट,
यहां पर मैंने कर दिया, यहां पर लिख दिया ट्वाइस ये है और NaOH है, सिंपल बात है, कोई भी दिक्कत नहीं। एक का होगा रिडक्शन और एक का होगा ऑक्सीडेशन, राइट। क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां पर क्या होगा रिड्यूस प्रोडक्ट CH2OH, क्लियर है। और नेक्स्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा एक, कुछ भी नहीं करना है। देखो मैकेनिज्म मैंने आपको समझने के लिए बताई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार रिएक्शन जब आपको करना है तो मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, नहीं। मैकेनिज्म इसीलिए मैंने बताई ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ऐसा हो रहा है, राइट। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, कम टाइम में सॉल्व करना है, तो आपको कौन सी मैकेनिज्म यूज करनी है, मैं बताता हूं कौन सी। बटन शुरू, लाइट ऑन। मुझे बताओ जब हम लोग घर में बैठे होते हैं बटन दबा देते हैं और लाइट ऑन हो जाती है, क्या हम सोचते हैं, नहीं, क्या इतना सोचते हैं कि भाई हाँ बटन दबा दिया अब करंट जा रहा है, ऐसे वायर से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके अब ट्यूबलाइट में गया, फिर वहां के अंदर जो केमिकल्स है वो जले और फिर उजाला हुआ, क्या इतना सोचते हैं हम लोग, नहीं। इतना सोचने की जरूरत नहीं, इतना सोचोगे तो फिर 3 घंटे तो सोचने में ही निकल जाएंगे और जहां सोच वहां शौचालय, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचना है, इंपॉर्टेंट सोचना है। तो यहां पर जो बेसिकली मैं कहता हूं कि मैकेनिज्म तो मैं बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे अप्लाई करना है, बटन शुरू लाइट ऑन खत्म, बाकी कुछ नहीं सोचना है, बटन शुरू लाइट ऑन, ये मैकेनिज्म होना चाहिए। तो बटन कैसे शुरू हुआ, बटन शुरू ऐसे हुआ कि भैया मैंने देखा कि यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये रहा, क्या उस पर अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, क्या एल्डिहाइड है, हाँ। उसके बाद में क्या चेक करना है, उसके बाद में देखना है कि अल्कली है आरओ पर, हाँ अल्कली है, बस खत्म। दिस इज कैनिज आरओ, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, काम तमाम, ठीक है, बात समझ में आ गई है, बोलो यस ऑर नो, बटन शुरू लाइट ऑन, ठीक है, यस ओके, चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़े। एक और एग्जाम्पल देखना है, एक और एप्लीकेशन, हाँ चलो ओके, चलिए एक और एप्लीकेशन देखते हैं, ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तुम लोग फालतू में डरते हो, फालतू में डरते हो, कितना इजी है देखो। लेकिन अब यही चीज हमें पता नहीं होती कि क्या होता है इसमें, क्या करना है, कैसे सोचना है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती थी। लेकिन हमें क्योंकि पता है कि अच्छा ऐसे है, ऐसा है और हमें ये करना है, तो हमें सब कुछ चीजें समझ में आ जाती है कि अच्छा ओके मैं तो इसे कर लूंगा, है ना। तो यही होता है। तो यहां पर अब अगर आप कैनिजारो आज मैं आपको नहीं पढ़ाता था और ये देता था, तो फिर आप जरूर टेंशन में आ जाते कि भैया ये क्या है, इसके साथ में क्या करूं, कुछ तो उठपटांग कर देते। लेकिन अभी आप लोग क्लियर हो कि ओके एल्डिहाइड दिखा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्कली दिख रहा है एरो के ऊपर, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, कैनिजारो करूंगा, एक को ऑक्सीडाइज और एक को रिड्यूस, ऐसा रट जाना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, बटन शुरू लाइट ऑन, और जैसे ही लाइट ऑन हुई मुझे क्या दिखा, क्या दिखा, भूत, नहीं, भूत लाइट ऑन करने से भाग जाता है सर, आपको क्या भूत कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा भैया, लाइट ऑन जैसे ही हो गई वैसे ही मुझे एक अल्कोहल दिख गया, और क्या दिखेगा दूसरा, दूसरा मुझे दिखेगा OME और यहां पे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट OH, क्लियर है। एक का क्या हुआ है रिडक्शन और एक का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, बात क्लियर हो गई है, बोलो यार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शायद यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 5 स्टार्स दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, इस एप्लीकेशन को। अब क्या बात है, बेसिकली आपको क्वेश्चन आएगा कि आपने तो हर बार देखा कि 2 मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, यहां देखा कि 2 दिए हैं, यहां देखा सर ने 2 दिए हैं, यहां फिर और गए सर ने 2 दिए, मतलब 2 2 2 तो दिए रहेंगे, अगर 2 नहीं रहे तो फिर हम लोग हैंग हो जाएंगे, भैया आप क्या करेंगे, 2 तो नहीं दिए सर ने तो हमें वैसा बताया था। अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। तो देखो क्या है, ये बेंजीन रिंग दे दी मैंने और यहां पे मैंने 2 अल्डिहाइड के ग्रुप लगा दिए, क्या किया, यहां पर मैंने 2 अल्डिहाइड के ग्रुप लगा दिए, ठीक है, राइट। अब क्या मुझे 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, नहीं, मेरे पास में अल्डिहाइड है, हाँ कितने अल्डिहाइड है, 2, दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं दोनों पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या मेरे पास अल्कली है, हाँ है, बिल्कुल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैनिजारो रिएक्शन कर सकता हूँ, है कि नहीं, तो क्या करूंगा, एक को ऑक्सीडाइज कर दूंगा, दूसरे को रिड्यूस कर दूंगा, सिंपल, उसी मॉलिक्यूल में। तो क्या होगा, जैसे ही बटन दबाया लाइट शुरू होगी
और जैसे ही लाइट शुरू हो गई मैंने ये देखा कि एक भैया यहाँ पे अल्कोहल बन गया और एक भैया यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एसिड बन गया। एंड दिस इज ऑल फॉर कैनिजारोज रिएक्शन। आई होप आपको पूरी की पूरी कैनिजारोज रिएक्शन एकदम बढ़िया से एप्लीकेशन के साथ समझ में आ गई है। और अब यदि आपके एग्जाम में नीट में अगर आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से उसे आंसर करने वाले हो या फिर नहीं, बोलो यार। यस, डिड यू गेट दिस? क्या बात समझ में आ गई आपको? कैनिजारोज रिएक्शन एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस गया है क्या? क्रॉस कैनिजारोज में कुछ नहीं है, क्रॉस कैनिजारोज में बस आपको फॉर्मल्डिहाइड लेना है एक जगह पर, ठीक है, और कुछ नहीं है। सुप्रीम लीडर क्रॉस कैनिजारोज में कुछ नहीं है, बस आपको एक बार वहां पे फॉर्मल्डिहाइड रहता है, एक जो चीज होती है जो सेकेंड वाला मॉलिक्यूल है जिसके साथ रिएक्ट होता है वो क्रॉस कैनिजारोज में फॉर्मल्डिहाइड होता है, बस, और कोई भी फर्क नहीं, और कोई इतना फर्क नहीं। अल्डोल और क्रॉस अल्डोल में बढ़िया है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओम प्रकाश कहते हैं सर, यस सर आपने बहुत ही बढ़िया समझा, अरे ऐसे ही बढ़िया समझाते हैं हम, क्या बताया तुमको। आज अब होने वाली है अपनी क्लास 4 बजे, ठीक है, जीओसी स्टार्ट कर दिया है, कल बेसिक लेक्चर हो गया है, आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ने वाले हैं जीओसी में, तो